प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे इंटरनेट के हवाले से। दुनिया भर में इंटरनेट सार्फीन की अक्सरियत इस बात से आगाह नहीं होती कि ऑनलाइन रहते हुए उन्हें किस नौयत के खतरात का सामना होता है और इनसे बचाव कैसे मुमकिन है। साइबर हमले क्या होते हैं और इनका तदारुक कैसे मुमकिन है, इसी मौजू पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक साइबर क्राइम से आलमी मईशत को तकरीबन $400 अरब का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। क्योंकि दौरे जदीद में रोज़मर्रा ज़िंदगी की बहुत सी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंटरनेट पर इन्हिसार हमारी मजबूरी बन चुका है। किसी से राबता करना हो या टीवी के प्रोग्राम्स जानने हों, मालूमातें आमा, तालीम, कारोबार या बैंकिंग और मुलाजमत हो, बड़ी हद तक इंटरनेट की मरहूने मिन्नत है। खुदकार गाड़ियों से लेकर ऑनलाइन होम सिक्योरिटी सिस्टम तक हम हर मामले में टेक्नोलॉजी या साइबर निज़ाम पर इन्हिसार करते हैं। ऐसे में जराइम पेशा अनासिर इंटरनेट को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर नित नए रास्ते और फार्मूले निकालते हैं। साइबर क्राइम या डिजिटल सिक्योरिटी बिलाशुबा एक वसी मौजू है, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम इसे मुख्तसरन मगर जामे तौर पर डिस्कस करना चाहेंगे। आयरलैंड में मौजूद मुईद अली हमारे आज के इस प्रोग्राम में मेहमान हैं, जो बुनियादी तौर पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं। उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अमरीकी तारीख में होगा पहली बार न्यू जर्सी के योगी बेरा स्टेडियम में पाक भारत क्रिकेटर्स के दरमियान जबरदस्त टाकरा। 13 सितंबर को होगी अमेरिकन प्रीमियर लीग की इफ्तिताही तकरीब। शायकीन के लिए होगा बॉलीवुड डांस, ड्रोन शो और आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। गुलकार शेरजान जुनून ग्रुप के नगमों से गरमाएंगे शायकीन का लहू। टिकटों की बुकिंग तेजी से जारी है। You guys need to come there and support the Pakistani team. अमेरिकन प्रीमियर लीग की वेबसाइट पर आज ही अपनी टिकट बुक करवाएं या फिर फोन नंबर 9143401127 पर राबता कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। और जिस तरह ब्रेक पे जाने से कबल बात हो रही थी, हम बात करेंगे इंटरनेट और साइबर क्राइम के हवाले से, तो मुईद से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे, जो आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं। बहुत शुक्रिया मुईद आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। मुईद, ये बताइए कि दुनिया भर में इंटरनेट सार्फीन की अक्सरियत इस बात से आगाह नहीं होती कि ऑनलाइन रहते हुए उन्हें किस नौयत के खतरात का सामना होता है और इनसे बचाव कैसे मुमकिन है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो यकीनन आजकल जैसा कि आपने कहा कि सारी चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट इंटरनेट पे मौजूद हैं, चाहे वो आपको अपना बैंक अकाउंट करना हो, मॉनिटर करना हो, ऑपरेट करना हो, या आपको अपनी ईमेल्स चेक करनी हो या ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं और इसका इस्तेमाल जो है ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जैसा कि आपने कहा कि इंटरनेट सार्फीन भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के तो लोगों को बेसिक अवेयरनेस नहीं होती जिससे वो अपने आप को महफूज रख सकें, और इसी का फ़ायदा जो है वो हैकर्स उठाते हैं। तो होता ये है कि जिस तरह आप अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को जो है लेट्स से अगर आपके पास कोई ज्वेलरी है, आपके पास कोई करेंसी है, तो उसको आप कोशिश करते हैं कि किसी सेफ और सिक्योर जगह पे रखें जिसमें आपके पास सेफ होते हैं, आपके पास जो है बैंक में लॉकर्स होते हैं। तो सिमिलर वे में आपको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को सेफ करना चाहिए, आपको अपनी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसको सेफ करना चाहिए। और इनको सेफ करने के लिए बुनियादी तौर पर हर शख्स को जो है वो 5 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। 5 चीज़ें क्या हैं?
जिसमें सबसे पहले जो है अगर कोई बंदा जो है वो ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको उसकी ऑथेंटिसिटी का ख्याल करना चाहिए। अपनी जो डिटेल्स वो प्रोवाइड कर रहा है वो किस हद तक प्रोवाइड कर रहा है, क्या क्या चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी चाहिए, क्या वो वेबसाइट या जहाँ भी वो ट्रांजेक्शन कर रहा है वो बहुत ज़्यादा मालूमात तो नहीं मांग रही। अपना ईमेल अकाउंट जो है उसने अगर वो रखा हुआ है तो उस पे उसको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए। वो पासवर्ड जो है मुख्तलिफ जो भी सर्विसेज ऑनलाइन वो यूज़ कर रहा है, फर्स्ट करें ईमेल यूज़ कर रहा है, वो बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, तो उसके लिए उसको मुख्तलिफ पासवर्ड रखने चाहिए। और इनको सेफ रखने के लिए, यानी जाहिर बात है बहुत सारे पासवर्ड्स हो जाते हैं, तो उसको सेफ रखने के लिए आपके पास एक वॉलेट भी है जो कि आप एक टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन जो कि आप अपने मोबाइल पे भी रख सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर पे भी रख सकते हैं, और उसमें आप अपने सारे मुख्तलिफ पासवर्ड्स को सेव करके सिक्योर करके जो कि एक इनक्रिप्टेड वे में होता है वो रख सकते हैं। और उसके साथ जब आप बैंक अकाउंट या जो भी आप ऑनलाइन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, मेक श्योर करें कि आप पासवर्ड के साथ साथ उस पे MFA, MFA क्या है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें ये होता है कि फर्ज करें मैं हूं तो मेरे पास एक अपना पासवर्ड है प्लस मेरे पास एक डिवाइस है जिसमें मुझे टाइम बेस्ड टोकन मिलता है। होता यह है कि जब हम ईमेल बनाते हैं तो सर हम अपना पासवर्ड रखते हैं और पासवर्ड जो है वो एक कॉमन रख लेते हैं। फर्ज करें आप आज भी अगर आप निकालने जाएंगे तो लोगों ने अपने पासवर्ड जो है 1 2 3 4 5 6 रखे हुए हैं, या उन्होंने सिंपल पासवर्ड रखे हुए हैं, पासवर्ड 1 2 3 रखा हुआ है, जिसकी वजह से उनके अकाउंट कंप्रोमाइज हो जाते हैं। तो सब पहली बात तो पासवर्ड अपना कॉम्प्लेक्स रखें, उसमें एल्फान्यूमेरिक रखें, उसको क्या नाम है 12 से 15 कैरेक्टर्स तक का रखें, यूनिक रखें। MFA यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जहां पे अवेलेबल है वहां पे करें, खास तौर पे जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, जो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग है या आप बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हैं, तो उसके लिए हर जगह पे आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो आपका अपना कंप्यूटर है जहां से आप ये चीजें एक्सेस कर रहे हैं उसको आप अपडेट रखें, उसमें उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको जैसे ही कोई अपडेट आता है फौरन इंस्टॉल करें। इसके अलावा एक प्रॉपर एंटीवायरस आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये 5 चीजें बुनियादी तौर पे हैं, और जो सबसे ऊपर इसके आती है वो है आपकी अपनी पर्सनल अवेयरनेस। जैसा कि मैंने कहा आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए और किस हद तक प्रोवाइड करनी चाहिए। मोहित, ये बताइए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ गया है, अक्सर कुछ लिंक्स सामने आ जाते हैं और हम इस बात का अंदाज़ा कैसे कर सकते हैं कि हम इस लिंक पर जाने से इनकार कर दें, या हमें इस लिंक को फॉलो करना चाहिए, या हम इस वेबसाइट को क्लिक ना करें और अगर हम क्लिक कर देंगे तो किसी हैकर का निशाना ना बन जाएं। तो ये जो इस तरह का मलेशियस लिंक हैं, इनकी कोई पहचान मुमकिन है? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखें सबसे पहले जो है वो तो अवेयरनेस, बहुत सबसे बड़ी चीज जो है अवेयरनेस है। फर्ज करें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोविड जब आया तो लोग जाहिर बात है डरते थे बाहर जाते हुए कि अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हमको क्वारंटीन कर लिया जाएगा और फिर 14 15 दिन के लिए हम ब्लॉक हो जाएंगे। उसका फायदा हैकर्स ने उठाया और उन्होंने ऐसे मलिशियस लिंक्स जो हैं वो ईमेल के थ्रू और जैसे कि आपने कहा सोशल मीडिया के थ्रू जो है लोग भेजना शुरू किए, सर्कुलेट करना शुरू किए, जिसपे लोग जो है उनको फ्री टेस्टिंग किट्स या चीप टेस्टिंग किट्स भेजी जा रही थी। तो ऐसे लिंक्स को यकीनी तौर पे जो है जो कि बहुत इंट्रीगिंग होते हैं, आपको लगता है कि यार ये बड़ा कुछ जो भी चीजें आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं उसी से रिलेटेड होती हैं, तो वो सबसे पहली चीज तो आपको जो देखनी चाहिए उसमें वो ये कि इज इट टू गुड टू बी ट्रू, यानी कि ये इतना अच्छा कैसे है, कोई कोई कितना इतना अच्छा कैसे है, कोई फ्री क्यों ऑफर कर रहा है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको कोई चीज कोई फ्री में क्यों ऑफर कर रहा है। अगर वो ऑफर करते हो देर देर इज सम सॉर्ट ऑफ कम्प्रोमाइज जो है वो आपकी तरफ से हो सकता है। तो कभी भी फ्री चीजों पे ना जाए, नथिंग इज कम्स फॉर फ्री, नथिंग कम्स फॉर फ्री, सबसे पहली बात हुई है। और डेटा जो है इट्स इवन कहते हैं कि ये ऑयल इंडस्ट्री से भी ज्यादा लुक्रेटिव मार्केट है इस वक्त दुनिया में। तो अपनी आइडेंटिटी, अपनी जो जिसको हम PII कहते हैं, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, वो कहीं आप लूज ना करें। और अपने अपने सॉफ्टवेयर को जो कि आपका चाहे मोबाइल हो चाहे आपका
कंप्यूटर हो उसके ऊपर एक प्रॉपर एंटीवायरस सॉल्यूशन इंस्टॉल करें जो कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड हो, ताकि वो आपको इन मलिशियस लिंक्स को आइडेंटिफाई कर सके और आपको बता सके कि ये लिंक जो है वो डेंजरस है। ये भी बताइएगा मुहित कि साइबर क्राइम से खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं हम, क्योंकि हम किसी साइबर क्राइम टीम के हिस्सा ना बन जाएं या हम किसी ऐसे शख्स के साथ काम ना कर रहे हों कि जो किसी गलत एक्टिविटी का हिस्सा हो, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का हिस्सा हो। क्योंकि अब जिस तरह से कोविड के दौरान हमने बात की कि तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन ही काम करते हैं, तो हम किस तरह से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किसी गलत एक्टिविटी का या किसी गलत लोगों के साथ काम में इन्वॉल्व ना हो जाएँ? क्या ऐसा मुमकिन है कि हम ये जान सकें? इस किस्म की पहचान रखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कि जब आप कंप्यूटर पर होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि एट फार एंड कौन है। फर्ज करें मिसाल के तौर पे, जैसे मैं कहूँ कि ट्विटर पे बहुत सारे जो हमारे अकाउंट्स हैं, हम समझते हैं कि वहाँ पे एट फार एंड कोई लड़की बैठी होगी या कोई सेलिब्रिटी बैठा होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू लर्न के वो वहाँ पे समवन एल्स वाज ऑपरेटिंग इट। तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट के आप आइडेंटिफाई कर सकें कि दूसरी तरफ जो है वो वही है जो दे कहते हैं, जो जो ये कह रहे हैं कि वो वही है। हु दे आर, व्हाट दे से, हु दे आर। तो ये बहुत ही मुश्किल है इस तरह आइडेंटिफाई करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये है कि आपके पास थ्रेट इंटेलिजेंस टूल्स मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आप ये देखें कि ये चीज इतनी सस्ती या इतनी आसान आसानी से कैसे मिल रही है, जबकि मार्केट में उसकी कुछ और आपको वैल्यू मिलती है। ऑनलाइन आप जाते हैं तो आपको बहुत चीप मिल रही है। प्लस ये कि उसमें फर्ज कर लें, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, आपको एक ईमेल आती है एप्पल से, आप ईमेल खोलते हैं, आपको वो कुछ फ्री या स्टफ दे रहे हैं, लेकिन आप उसमें उस लिंक पे क्लिक करने से पहले आप ये चेक करें कि इज इट रियली फ्रॉम एप्पल। दूसरा ये कि उसमें कोई अर्जेंसी तो नहीं है, फर्ज करें कि बोला जाए, फर्ज करें आपका अकाउंट लॉक है और आपको जो है वो उसे खोलने के लिए 24 आवर्स दिए जा रहे हैं, तो अर्जेंसी तो नहीं है, जेनेरिक तो नहीं है इन द सेंस के आप डियर कस्टमर कह के तो नहीं बुलाया गया। तो वो सारी चीजें आप आपकी अवेयरनेस जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है कि आप कितने कॉशियस हैं आप किसी भी चीज को क्लिक करने के लिए, किसी भी लिंक पे जाने के लिए। और ह्यूमन इज द वीकेस्ट लिंक इन द चेन, जो साइबर सिक्योरिटी के वर्ल्ड में कहा जाता है। तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये कि सेल्फ अवेयरनेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। टूल्स पे आप डिपेंड कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपको वो बताएंगे कि भाई कौन सा मलिशियस लिंक है, आपको ब्लॉक करेंगे देन एंड देयर, लेकिन स्टिल पीपल फॉल प्रे टू इट। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में या दुनिया भर में, कहीं पर भी डेवलप्ड वर्ल्ड में भी लोग जो हैं वो इन लोगों के जाल में फंस जाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें तरक्की पज़ीर ममालिक की, या अगर हम बात करें पाकिस्तान की या जनूबी एशियाई कंट्री की, तो हम ये देखते हैं कि इस तरह के ममालिक जो ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, वहाँ पर तकरीबन तमाम इदारों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, आईटी और इंटरनेट से मुंसलिक तमाम तर कामों में भी इजाफा हुआ है, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या इन तमाम तर कामों के दौरान साइबर हमलों से महफूज रहने के लिए क्या एक्सरसाइज होती हैं, किस किस्म की तरबियत जो है वो होती है, कुछ नहीं दी जाती, ऐसा कोई इनको प्रॉपर गाइड नहीं किया जा रहा होता, कोई ऐसे सेशंस नहीं होते, इनकी निस्बत अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात कर लें, तो क्या वहाँ पर भी यही कंडीशंस हैं या यहाँ के इदारे इतने अवेयर हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस सेशन इस तरह के वो कंडक्ट करवाते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज को बहुत सीरियसली लेती हैं कि जो उनका जो यूजर है या उनका जो एम्प्लॉई है वो अपने आप को महफूज रखे ऑनलाइन और उसको अवेयरनेस हो, और वो अवेयरनेस लेवल जो है वो उसके पर्सनल लेवल तक हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आप ऑफिस कंप्यूटर्स के मुताबिक ही बताएं, या उसको पर्सनल लेवल पे भी कवर कराया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ सेल अवेयरनेस ट्रेनिंग्स होती हैं। उसमें एक मोस्ट ऑफ द जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ईमेल, फिशिंग ईमेल्स कहलाती हैं। जो फिशिंग ईमेल्स क्या हैं, जिस इस वक्त दुनिया भर में 80 to 90% जो साइबर क्राइम हो रहा है वो ईमेल बॉर्न होता है, यानी वो ईमेल भेजी जाती है और वो बहुत इजीली आप कोई भी कर सकता है।
उसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। तो इसकी वजह से मोस्ट ऑफ दी साइबर क्राइम हैपेंस आर थ्रू दी ईमेल्स। तो उसमें फिशिंग कैंपेन्स कराई जाती हैं, जिसमें यूजर्स को जो है वो क्राफ्टेड ईमेल्स भेजी जाती हैं, फिर उनका उस पर रिस्पॉन्स चेक किया जाता है और बेस्ड ऑन द रिजल्ट जो है वो मजीद ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। इसमें बड़ी अच्छी कंपनीज हैं, जिसमें आपने केविन मिटनिक का नाम सुना होगा। ही वॉज अ वेरी वेल नोन हैकर जो सोशल इंजीनियरिंग को यूज करके जिन्होंने काफी सोशल इंजीनियरिंग बेस्ड अटैक्स किए, और आज वो एक सिक्योरिटी का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंसी कंपनी रन कर रहे हैं, जिसको नो नो बिफोर के नाम से। तो वो बहुत अच्छी कंपनी है जो इस तरह की साइबर ट्रेनिंग्स कराती है। इसके अलावा लोगों को जो है वो ईमेल्स के थ्रू, उनको पंफलेट्स के थ्रू जो है अवेयरनेस फराहम की जाती है, ताकि वो अपने आप को महफूज रख सकें। कुछ कंपनीज जो हैं इनफैक्ट दे एक्सटेंडेड के, अगर आपके पास होम कंप्यूटर है तो आपको वो अपनी अपनी उससे जो है फ्री एंटीवायरस तक देती हैं कि आप अपने अपने घर के कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लें, ताकि आप घर पे भी इस तरह की अटैक से महफूज रखें, जिसमें खास तौर पे रैंसमवेयर का अटैक है शामिल। ठीक है, आपसे कुछ मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। इमिग्रेशन की राह में हायल रुकावट से परेशान हैं और आपको खानदान के अफराद की अमेरिका में मुस्तकिल सुकूनत के लिए मुश्किलात का सामना है, तो हम बनेंगे आपके मददगार। आप अमेरिका की किसी भी रियासत या शहर में रहते हैं, हम करेंगे आपकी कानूनी मुआविनत। इमिग्रेशन के मामलों के लिए हमारे पास मौजूद है माहिर वकला की टीम। तो अभी राब्ता कीजिए 424-270-6677। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। और जिस तरह से बात हो रही है प्रोग्राम में साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक, या इस किस तरह से साइबर की दुनिया में लोगों को क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जा रहा है, या वो खुद किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो उनसे महफूज किस तरह रखना है, इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। मुईद अली हमारे साथ मौजूद हैं इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए। मुईद, ये बताइए, हमारे जानने वालों को थोड़ा सा ये गाइड कीजिएगा कि आजकल बहुत कुछ सुनने में आ रहा है साइबर अटैक्स के हवाले से, कि आप एक मुल्क से बैठकर दूसरे मुल्क में कोई साइबर अटैक हैं, पूरा आपका डिपार्टमेंट उससे मुतासर हो जाता है। हाल ही में अगर हम बात करें तो रशिया की इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं। इसके अलावा ईरान में बहुत ज्यादा साइबर अटैक्स का रुझान पाया जाता है। हाल ही में रेलवे सिस्टम इनका पूरा बैठ गया इस साइबर अटैक के नतीजे में। तो ये साइबर अटैक दरअसल होते क्या हैं, ये किस तरह इतने बड़े पैमाने पर मुमकिन है, और क्या इनका कोई तदारुक है? बिल्कुल बिल्कुल, साइबर अटैक्स जो हैं वो ईरान तो खास तौर पे बहुत निशाना बनता रहा है माजी में भी, जिसमें जो सबसे बड़ा साइबर अटैक कहते हैं दुनिया में, जो कि बहुत ही ऑर्गेनाइज था, वो स्टक्सनेट कहलाता है। इसमें क्या करते हैं हैकर्स? देखें, दो तरीके होते हैं। इसमें होता यह है कि एक तो कहलाता है डीडॉस अटैक, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, विच उसमें होता यह है कि आपके सर्वर्स को इतना बम्बार्ड किया जाता है थ्रू आईपी पैकेट्स के, जिससे आपके सर्वर्स जो हैं वो जवाब दे जाते हैं और सर्विसेज जो है अवेलेबल नहीं होती। उसके बाद जो है आपको अपना सिस्टम शट डाउन करना पड़ता है। इसका तदारुक जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज हैं, जिसमें क्लाउड फ्लेयर वेरी वेल नोन है, जो कि इस तरह के अटैक्स को थावट करने में अपना अपना सानी ने रखती। इसके अलावा दूसरा जो है वो रैंसमवेयर अटैक है। तो रैंसमवेयर में होता यह है कि कोई ईमेल गई वो किसी यूजर के पास, उसने वो मलिशियस लिंक खोल लिया और उसके बाद वो पूरे नेटवर्क में सराहियत कर जाता है और हर पीसी को वो
लॉक कर देता है, यानी उसके ऊपर अगर आप पे नहीं करें। जिसमें से लेटेस्ट जो एग्जांपल है वो किसिया की है, जो कि पिछले दिनों जो है वो हुआ है, जिसमें अराउंड 1500 कस्टमर्स का डेट के कंप्यूटर्स जो हैं वो लॉक हो गए। और इसके तदारुक के लिए आपको एक तो ये है कि आपके पास प्रॉपर एंटीवायरस मौजूद हो, आपके पास आपका अच्छा ओएस अपडेटिंग सॉफ्टवेयर हो, यानी आप अपडेट करते हो अपने सिस्टम्स को रेगुलरली। और तीसरी चीज जो है वो बैकअप, आपके पास बैकअप इस अपना सिस्टम का रखें। अगर आपके पास ये चीजें मौजूद नहीं है तो इन पे आपको तवज्जो देने की जरूरत है। और ये सिर्फ कंपनीज ही नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स को भी इस पे ख्याल रखने की जरूरत है कि आपके पास एक प्रॉपर एंटीवायरस, एक प्रॉपर जो है वो बैकअप सोल्यूशन और अपना सिस्टम पैचिंग जो है वो हमेशा इनेबल रहे। ये बताइएगा मुहित के हमले और डिफेंस में, यानी साइबर अटैक और साइबर अटैक के डिफेंस के लिए, खुद को महफूज रखने के लिए या उसके रिपल्जन के लिए हम अगर बात करें तो मुख्तलिफ टेक्निक्स यकीनन इस्तेमाल होती होंगी और इसके मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते होंगे। ये क्या टेक्निक्स होती हैं जो मुख्तलिफ तरीक़ाकार के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, और क्या साइबर अटैक में और उसके जवाब में, उसके डिफेंस में जो टेक्निक्स यूज होती हैं, ये तमाम तर मुख्तलिफ हैं या इसमें कुछ यकसानियत भी होती है? मुश्किल होगा अगर उसका सिस्टम जो है अगर कंप्रोमाइज हो चुका है, तो बेहतर तो यही होता है कि आप उसको कम्प्लीटली वाइप करके जो है वो दोबारा से बिल्ड कर लें। लेकिन अगर आप ऐसे किसी गैंग का निशाना बन रहे हैं जो कि आपके सिस्टम्स को जो है वो अटैक कर रहा है और आप उसको थावर्ड करने के अलावा आप जो है वो जैसे कि आपने कहा रिपल्शन के लिए, तो वो यकीनी तौर पे वो होते हैं अटैक्स इस तरह के, लेकिन वो फिर गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, जो कि साइबर अटैक्स मसलन जो राइवलरी है हम इंडिया पाकिस्तान में जो है वो हमारी वेबसाइट्स को हैक करते हैं, तो हमारी तरफ से कुछ हैकर्स उनको उनकी वेबसाइट्स को हैक करते हैं, तो ऐसी इस तरह की भी एक्टिविटीज चलती हैं। लेकिन ये है कि वो उसमें काफ़ी वर्क रिक्वायर्ड होता है, यानी वो जैसा मैंने कहा कि इंडिविजुअल कर नहीं कर सकता, बल्कि वो बाकायदा एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा सकता है, जिसमें नंबर ऑफ हैकर्स जो हैं वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, सर्वेलेंस करते हैं, उसके बाद फिर वो पेलोड्स तैयार करते हैं, उसके बाद फिर वो टारगेट करते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स को या मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें जो है इस वक्त वेरी वेल नोन जैसा आपको पता है रशिया और नॉर्थ कोरिया जो है वो वेरी वेल नोन है, जो कि इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्ड हैं। अच्छा, लास्ट में मुझे बता दीजिए कि कोई मैसेज जो आप हमारे देखने वालों को शेयर करना चाहें या देना चाहें कि किस तरह से ऑनलाइन रहते हुए हम साइबर खतरात से महफूज रह सकते हैं। जी हाँ, सब जैसे कि हम कवर कर चुके हैं, लेकिन मैं बीइंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल मैं यही कहूँगा कि लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो, चाहे वो आपसे फर्ज करें कोई मोबाइल पे पूछ रहा है या आपसे कोई ईमेल के थ्रू पूछ रहा है, आप उसका फौरन रिस्पांस ना करें, आप जाके उस बैंक से या उस अथॉरिटी से डायरेक्ट बात करें, ओवर द फोन करें, और इन चीज़ों को जो ख़ास तौर पे आपको जहन नशीन रखनी चाहिए कि कोई अर्जेंसी तो नहीं है, कोई जेनेरिक ईमेल तो नहीं ऐसी आ रही जो टू गुड टू बी ट्रू वाली जो सिचुएशन है वो जहन में रखें किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स करने से पहले, और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो PII है वो ना दें किसी को भी विदाउट मेकिंग श्योर कि ये वाकई कोई ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है या वेबसाइट है या पर्सन है। बहुत शुक्रिया मुहित अली, हमारे साथ मौजूद थे आयरलैंड से और बता रहे थे साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, साइबर रिस्क किस तरह से दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जो साइबर क्राइम में इजाफा हो रहा है उससे दुनिया भर में तकरीबन $400 अरब सालाना बुनियादों पर लोगों को खसारे का सामना करना पड़ रहा है, मईशत को खसारे का सामना है, किस तरह से हम ऑनलाइन रहते हुए, इंटरनेट का हिस्सा रहते हुए, सोशल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखते हुए इस चीज़ से महफूज रह सकते हैं, इसके बारे में आज के इस प्रोग्राम में हमने बात की। अगले प्रोग्राम में अगले हफ्ते एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज को इजाजत दीजिए, अलविदा के बाद।